हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाएं। दोस्तों, अगर आपका भी चैनल सर्च में नहीं आता है, जिसके कारण आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, जिससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और सबसे आसान तरीके से आपको बताने का कोशिश किया हूँ कि आप कैसे अपने YouTube चैनल पे कुछ सेटिंग्स कर आप अपने YouTube चैनल को सर्च में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए उसका नाम बहुत ही अहम रोल निभाता है। YouTube चैनल खोलने से पहले हमें उसके नाम पे काफ़ी रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि हमें आगे चल के YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। हमें अपने YouTube चैनल को सर्च में लाने के लिए हमें अपने YouTube चैनल का नाम यूनिक रखना होगा, और हमें YouTube पे देख लेना होगा उस नाम से कोई अनदर YouTube चैनल है कि नहीं है। अगर दूसरा कोई YouTube चैनल उसी नाम से बनाया हुआ है, और उसके बाद अगर आप उस नाम से अपना YouTube चैनल बनाते हैं, तो आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से YouTube चैनल बना हुआ है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा अगर आप अपने YouTube चैनल का नाम यूनिक रख दिए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो नाम आप अपने YouTube चैनल का रखे हुए हैं, वो किसी बड़े क्रिएटर के नाम से नहीं मिलता जुलता हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे हमें किसी YouTube चैनल का नाम रखना है ट्रू लव, तो पहले हम जाके YouTube पे सर्च करेंगे ट्रू लव से कोई YouTube चैनल है या नहीं है। तो सिंपली हमें उसके लिए सर्च बार पे चले जाना है। सर्च बार पे जाकर हमें सर्च करना है ट्रू लव, सर्च करना है ट्रू लव। सर्च करते ही देखिए YouTube चैनल तो नहीं आता है, लेकिन ट्रू लव सर्च करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा ट्रू लव से रिलेटेड सारे वीडियो जो भी बने हुए हैं वो यहाँ पे चला आया है। तो ऐसा नाम हमें बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो आपके YouTube चैनल सर्च में आने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इस नाम से देख लेते हैं कि कोई YouTube चैनल बना हुआ है कि नहीं। तो सिंपली उसके लिए हमें थ्री डॉट पे प्रेस करना है। थ्री डॉट पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के लिए टाइप पे प्रेस करके यहाँ पे YouTube चैनल कर देंगे, चैनल करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही यहाँ हमें जिस YouTube चैनल का नाम होगा यहाँ पे उनका लिस्ट आ जाएगा। ट्रू लव ऑलरेडी यहाँ पे इस नेम से चैनल बनाया हुआ है, तो ऐसा नाम हमें नहीं रखना है कभी भी। हमारा जो भी नाम हो यूनिक हो और किसी से मिलता जुलता नहीं हो, ऐसा नाम रखना है। उसके अलावा उसके बाद अगर आप अपने YouTube चैनल का नाम अपना यूनिक रख लिया है, तो उसको सर्च में लाने के लिए हमें अपने YouTube चैनल पे कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं। तो चलिए उस सेटिंग को अब भी जान लेते हैं। उसके लिए सिंपली हमें क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जाकर आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, जैसे मेरा ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड पे है। अगर आपका यूट्यूब डेस्कटॉप मोड पे नहीं है, तो आप डेस्कटॉप मोड में करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे प्रेस करना है। प्रेस करते हैं, यहाँ डेस्कटॉप साइट पे प्रेस कर देंगे, तो आपका यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। देखिए, ये हमारा चैनल खुल गया है। अब इसमें हमें कुछ सेटिंग करने होंगे अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में लाने के लिए। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ सेटिंग्स का सिंबल देखने को मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ पे प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ चैनल पे चले जाना है। चैनल पे जाते ही बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ हमने कुछ टैग लगाया हुआ है अपने चैनल पे। ऑलरेडी हमने टैग लगाया है, जिससे हमारा यूट्यूब चैनल सर्च में काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो आपको भी ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर टैग लगाना है, अपने यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल के नाम से रिलेटेड जो भी पब्लिक सर्च कर सकता है उसे आपको लगाना है। जैसे मैंने लगाया हुआ है, मेरा एक इस चैनल का नाम है टेक विद सूर्या, तो मैंने इस पे लगाया हुआ है। कोई भी अगर आकर यहाँ सर्च करता है तो क्या क्या सर्च कर सकता है, आपको अपने दिमाग लगाकर सोचना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको भी टैग लगाना होगा। तो मैंने लगाया हुआ है, देखिए टेक वीडियो। अगर कोई भी टेक्निकल वीडियो कोई चाहता है देखना, तो टेक वीडियो सर्च करेगा, तभी मेरा चैनल उसके पास शो होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी वीडियो, टेक्निकल गुरुजी। अगर आप किसी बड़े क्रिएटर का नाम कोई सर्च करता है, तब भी आपका यूट्यूब चैनल उसके नीचे शो होगा। तो इसीलिए आपको भी कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर का आप चैनल में उनका टैग लगा देना है। आपको अपने दिमाग लगाकर सोचना है कि क्या क्या नाम से आपको यूट्यूब चैनल के सर्च किया जा सकता है, तो उस हिसाब से आप यूट्यूब चैनल के नाम से रिलेटेड कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद सूर्या सर्च कर सकते हैं, सूर्या भाई सर्च कर सकते हैं, टेक विथ सूर्या सर्च कर सकते हैं, सूर्या टेक सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने से दिमाग लगाकर देखना है जो आपके YouTube चैनल पे हिट करने के लिए लोग किस किस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव पे प्रेस कर देना होगा। सेव कर देने के बाद आपका YouTube चैनल सर्च में आने लगेगा।